कैसी लगी ये 300 करोड़ की आइसक्रीम? बहुत बढ़िया लगी। 300 हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग चैनल। गाइस अभी हम लोग मौजूद है कालका जी में, भोपाल 56 में, और जैसा कि शार्क टैंक में 1200 करोड़ की वैल्यूएबल में 300 करोड़ रुपए मांगा था। आइसक्रीम का नाम है चना अमृत। तो आओ चलो आपको दिखाते हैं वो आइसक्रीम चना अमृत। गाइस यही है गोपाल 56, और आप देख सकते हैं इसका बिलिंग काउंटर है एंड ये अंदर से। तो गाइस हमारे साथ है मनप्रीत सिंह जी, जो कि इस गोपाल 56 के मैनेजर हैं। तो सर, इसके गोपाल 56 के बारे में आप कुछ स्पेशलिस्ट क्या है आपके पास, और वो सब बताइए। सर, गोपाल 56 की बात करूँ तो सारी चीज़ें यहाँ की स्पेशल हैं। अगर आप आइसक्रीम की बात करेंगे तो जैसे कि आपने देखा होगा कि जो हमारी आइसक्रीम्स हैं, चना अमृत है जैसे सबसे स्पेशल है। उसमें जो भी हमने इंग्रेडिएंट्स यूज़ करे हुए हैं वो एक डिफरेंट टेस्ट है उसका। काफ़ी दूर दूर से कस्टमर आ रहे हैं उसके लिए टेस्ट करने, और डिमांड इतनी ज़्यादा हो गई चना अमृत की और बाकी आइसक्रीम्स की भी चीज़ें आउट ऑफ स्टॉक हो रही हैं। तो हमारी प्रोडक्शन भी काफ़ी अच्छी चल रही है इस चीज़ के लिए, और मतलब लोगों का प्यार भी बहुत अच्छा मिल रहा है हम लोगों को। तो बाकी छोले भटूरे हैं जैसे पाव भाजी है, ये भी गोपाल 56 के बहुत ज़्यादा फेमस हैं। लोग काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं, ये विज़िट करते हैं, और सिर्फ नाम के लिए और एक टेस्ट के लिए वो लोग आते हैं कि नाम क्या है, गोपाल 56 कहाँ है और क्या टेस्ट है या कैसा टेस्ट है, तो उसके लिए विज़िट करते हैं। तो हमारे सर, हमारे ऑडियंस को आप ये बताइए कि गोपाल 56 का मीनिंग क्या है? लोग गोपाल 56 जानते हैं लेकिन उसका मीनिंग बहुत जनों को अभी तक नहीं पता है। सर, गोपाल की अगर बात करूँ तो गोपाल जी तो हर कोई जानता है कि कन्हैया, ठीक है, और 56 भोग होते हैं, और ऐसे ही 56 से ज़्यादा फ्लेवर हमारे पास हैं आइसक्रीम्स में, तो इसलिए हमने नाम रखा है गोपाल 56। कन्हैया जी के भक्त हैं और तो इसलिए गोपाल 56 रखा है। और इसकी ब्रांचेस कहाँ कहाँ हैं? सर, जो मेन ब्रांच है वो आप यहाँ खड़े हैं, और यही ये मेन ब्रांच है बोलते हुए सेक्शन कालका जी के अंदर, और अगर दूसरा ब्रांच की बात करूँ तो वो है ऋषिकेश के अंदर। बाकी CBI हेडक्वार्टर और एक साकेतपुर के अंदर हमारी गार्ड है, वहाँ पे हमारी फ्रेंचाइजी है, और बाकी जल्दी और ओपनिंग हो रही है जो कि कपिल सूर में है, उसकी प्रिपरेशन में हम लोग लगे हुए हैं, और विद इन अ वीक और विद इन अ मंथ के अंदर अंदर न्यू आउटलेट्स आपको और मिल सकेंगे आपकी लोकेशन के आसपास। और स्पेशलिस्ट है, मतलब जैसे आपने अभी बताया है स्पेशलिस्ट, ऐसे आप आएँ तो कभी चना अमृत आइसक्रीम टेस्ट करें, मैं यही मैसेज देना चाहूँगा, आप आएँ चना अमृत आइसक्रीम टेस्ट करें। अगर संडेज़ की बात करूँ तो संडेज़ में चोको रिदम हॉट चॉकलेट, फ्रूट सैलड संडे, जो कि लोग फ्रूट खाना ज़्यादा पसंद करते हैं उन लोगों के लिए हमारे पास संडेज़ हैं। जिनको चॉकलेट बेस्ड चाहिए तो चॉकलेट बेस्ड के लिए हमारे पास संडेज़ हैं। बाकी सबसे स्पेशल जो और चीज़ें में आ जाता है वो आता है मैंगो शेक और चीकू शेक, जो कि 12 महीने हमारे पास अवेलेबल रहता है। और मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, छोटे से सिर्फ मार्केट देखिए मैंगो शेक और चीकू शेक की, आप सब कुछ ही भूल जाएंगे और रेगुलर कस्टमर बन जाएंगे, और रेगुलर आप हमारे परिवार का हिस्सा बन जाएंगे कि हमें यही पीना और यही चाहिए। तो ये वही गौरव गोयल जी का गोपाल 56 है जिन्होंने शार्क से 1200 करोड़ की वैल्यूएबल में 300 करोड़ रुपए मांगे थे। जी, ये वही है, मिस्टर गौरव गोयल हैं उनका नाम, वो कंपनी के डायरेक्टर हैं। तो उन्होंने ही ये डिमांड की थी, और हमारी डिमांड एकदम जायज़ थी, और ठीक है, नहीं है जैसा भी है वो एक ठीक है, लेकिन ये है कि हम तब भी हटने वाले नहीं हैं, रुकने वाले नहीं हैं, और हम अभी 300 था, अगली बार 600 होगा। तो मतलब आप लोकेशन क्या है वो लोकेशन प्रॉपर बता दीजिए। मैं लोकेशन बता देता हूँ, लोकेशन है 16 प्लॉट नंबर 1691/2 गोविंदपुरी एक्सटेंशन कालका जी, किराना मार्केट के अंदर है, नियर है जयपुर ज्वेलर्स। तो आप वहाँ पे आके किसी से भी पूछ सकते हैं, या देशबंधु कॉलेज नियर बाय लोकेशन पड़ती है, वहाँ आके पूछ सकते हैं, तो आपको कोई भी गोपाल 56 के बारे में बता दें। एवरीवन, जो चना अमृत आइसक्रीम फेमस है यहाँ की, वो आज हम टेस्ट करेंगे और आपको भी बताएंगे कि कैसी है चना अमृत आइसक्रीम और कैसा फीडबैक है वो आपको बताएंगे। तो गाइस यही है वो चना अमृत आइसक्रीम 56 भोग, देख सकते हैं आप गाइस कितनी क्वांटिटी में है, लोग खाते खाते थक गए हैं लेकिन यहाँ पे स्टॉक खत्म नहीं होगा गाइस। सो एवरीवन, यही है चना अमृत आइसक्रीम और मैं इसे खा रहा हूँ, जो कि शार्क टैंक में 300 करोड़ की वैल्यू में लगा था। गाइस इसका ये मतलब खा के आपको टेस्ट बताता हूँ कि इसका टेस्ट कैसा है।
और आपको भी अगर खाना होगा तो नहीं मैं लोकेशन डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जरूर आना, एंजॉय करना, बहुत ही अच्छा लगेगा। तो मैं आपको खा के इसका टेस्ट बता दूँ कैसी है चना अमृत आइसक्रीम। मस्त है, काफी मस्त, ये सच में है 300 करोड़ की आइसक्रीम। गजब। कैसी लगी ये 300 करोड़ की आइसक्रीम? और बढ़िया लगी 300 करोड़ की आइसक्रीम। 300 करोड़ बार मन कर रहा है कि मुंह में ले रहे इस आइसक्रीम को और चम्मच को। समझ रहे हो, समझ रहे हो आप? बहुत बढ़िया लगा, बहुत लाजवाब। मुंह में डालते ही, जब ये इसको मुंह में डालते हैं, मुंह में डालने के बाद ही लगता ही नहीं है कि कुछ मुंह में डाला था। पूरा का पूरा एकदम मेल्ट हो जाता है। वाओ, सो ऑसम, आई लाइक दिस आइसक्रीम कुलदीप, एंड बहुत बढ़िया। ब्लॉग को सपोर्ट जरूर करें, इस ब्लॉग के अंदर आपको फुल बकचोदी मिलेगी जो आप लोग सुनना चाहते हैं और देखना चाहते हैं। तो विकास भाई, आप कुछ बोलिए मेरे ब्लॉग में। ऑसम एंड बेस्ट ऑफ लक गौरव भाई, आपका ये जो ड्रीम है कैलिफोर्निया वाला वो पूरा हो। आपका सपोर्ट हमें मिलता रहे और हमारा सपोर्ट आपको मिलता रहे और हम सबका सपोर्ट कुलदीप छोटे नवाब को मिलता। अरे कहना क्या चाहते हो? अरे थैंक यू। जहाँ कुलदीप ब्लॉग जो है वो ऐसी तरक्की करे और साथ साथ हमें भी बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिल रहा है फेमस होने का। तो गाइस लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल समाचार 24 को ना भूलें। देश दुनिया की बड़ी बड़ी खबरें हमारे पत्रकार जी आपको बताते हैं। तो गाइस वो भी लिंक में है, जाओ जल्दी से देखो गाइस। अब हम पाव भाजी टेस्ट करेंगे और बताएंगे कि पाव भाजी का टेस्ट कैसा है। गाइस पाव भाजी भी काफ़ी ज़्यादा मस्त है। तो आप कालका जी में आओ तो भोपाल 56 से विजिट ज़रूर करना गाइस। और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। सो एवरीवन, अगर आपको भोपाल 56 की पूरी जर्नी देखनी है तो आपको पता ही है मैं एक रिपोर्टर भी हूँ और एक न्यूज़ चैनल में काम भी करता हूँ। तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा उस चैनल का, आपको भोपाल 56 की पूरी जर्नी मिल जाएगी गाइस। इनका भी ये खुला था, कैसे कैसे ग्रो किया एंड ऑल द थिंग। तो समाचार 24 प्लस जो कि वेब पोर्टल न्यूज़ है उसको लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा गाइस। तो प्लीज़, ये आपसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, तो प्लीज़ उसको भी आप। हाय गाइस, तो ये था कालका जी का मशहूर भोपाल 56 जो शार्क टैंक में बहुत ज़्यादा फेमस हुए हैं और इनके जो ओनर हैं श्री गौरव गोयल जी बहुत ही ज़्यादा फेमस हुए हैं शार्क टैंक में जाके। और कालका जी का नाम जो पहले मशहूर तो था ही क्योंकि तो बहुत लैविश कॉलोनी है, बहुत ज़्यादा बड़ी मार्केट है, लेकिन भोपाल 56 के शार्क टैंक में जाने के बाद कालका जी बहुत ज़्यादा ऊपर उठ चुका है और कालका जी का एक अलग ही नाम हो चुका है। तो गाइस कुलदीप मेरा छोटा भाई है तो मैं यही चाहूँगा कि इसके ऐसे ब्लॉग ये बनाते रहे और हम दोनों को जो सपोर्ट करना होगा हम सपोर्ट करते रहेंगे। और मैं अब आज क्लोजिंग देने वाला हूँ, हम कुलदीप के अगले ब्लॉग में दिखेंगे कुछ स्पेशल खबरों के साथ। तो बस आप वेट कीजिए और मेरे छोटे भाई का चैनल आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ये भी बताइए कि इसमें क्या कमी है और क्या होना चाहिए। वाओ, वंडरफुल, बाय गाइस। तो गाइस आप लोग भी ऐसी सपोर्ट कीजिए, मैं आपके लिए अच्छा अच्छा कंटेंट लाता रहूँगा। और ये मेरा फर्स्ट फूड ब्लॉग था और आगे और अच्छा अच्छा आता रहेगा। तो तब तक के लिए गाइस टाटा, बाय बाय, सी यू। म्यूजिक